जहां हम देश के संविधान लोकतंत्र की बात करते हैं, महिलाओं के हक और अधिकारों की बात करते हैं, सिर्फ वो संविधान के अंदर लिखे तो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हमारी एक बड़े तबके की महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित है। आज भी उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आज महिलाओं के लिए क्या बढ़ रहा है? महिलाओं के लिए क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। दूर दराज में रहने वाली कोई बेटी हो या शहर के बीचों बीच रहने वाली कोई बुजुर्ग महिला हो, हर वक्त 24 घंटे हर पहर वो असुरक्षा के भाव में जीती है। घरेलू हिंसा हो, अत्याचार हो, महिलाओं की आवाज को दबाने वाले जो है अपराध हो, नित दिन उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। देश की जरूरत है आज महिलाओं को सशक्तिकरण देने की, देश की जरूरत है आज महिलाओं को उनके अधिकार देने की, और देश को आज जरूरत है आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई महिला को शिक्षित करने की, रोजगार देने की। आज का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है वो महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा करने हेतु इस कार्यक्रम को बुलाया गया, इसका आयोजन किया गया। महिलाएं जो इस देश की आधी आबादी है, महिलाएं जो हमारे समाज का अभिन्न अंग है, महिलाएं जो इस देश की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान देती हैं, ऐसी महिलाओं के अधिकारों के ऊपर आज चर्चा करने के लिए हमारी जैसी बहनें, हमारी जैसी बेटियां जो दूर दराज गांव में रहती हैं, उन हजारों हजार महिलाओं के अधिकारों पर चर्चा करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने संविधान का निर्माण करते वक्त अपने संविधान के अंदर देश की आधी आबादी को उनके अधिकार दिए, उनके हक दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कानून बनाकर महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार दिया, महिलाओं को समान शिक्षा और समान वेतन पाने का अधिकार दिया, महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने जीवन को अपने मुताबिक जीने का अधिकार दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ने तो कई दशकों पहले ही हमारे इस देश की आधी आबादी को उसके अधिकार दे दिए थे। ये देश की आधी आबादी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, और देश की आधी आबादी की ये महिलाएं जो आज देश के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रतिनिधित्व करती हैं, चंद्रयान जैसी देश में जब ऐतिहासिक लॉन्चिंग हुई तो उसके अंदर भी जो महत्वपूर्ण योगदान है वो हमारे भारतवर्ष की बेटियों का रहा है, भारत की महिलाओं का रहा है। ये देश की आधी आबादी है जिसने हमारे देश की तरक्की में, उसको आगे बढ़ाने में, चाहे गांव हो, देहात हो, छोटे से छोटा कस्बा हो, घर पे रहकर गृहिणी के रूप में या फिर किसी कामकाजी महिला के रूप में देश को अग्रसर करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण योगदान और अपना महत्वपूर्ण भूमिका दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जहां महिलाओं को अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, और अगर मैं अपनी बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आशीर्वाद से ही मैं उस माँ की बेटी हूँ जो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से, भारत देश के लोकतंत्र की खूबसूरती की वजह से और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद की वजह से आज ये दिल्ली की बेटी अपनी पार्टी का और अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व आप लोगों के समक्ष कर रही है। ये देश के लोकतंत्र की ही खूबसूरती है। लेकिन जहां हम देश के संविधान लोकतंत्र की बात करते हैं, महिलाओं के हक और अधिकारों की बात करते हैं,
सिर्फ वो संविधान के अंदर लिखे तो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हमारी एक बड़े तबके की महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित है। आज भी उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। देश की महिलाएं 21वीं सदी के अंदर, आजादी के 75 सालों के अंदर पूरे देश में शिक्षा जो पाती हैं पुरुषों के मुकाबले, वो महज 65% है, जो कि बेहद चिंता का विषय है, बेहद सोच का विषय है। पूरे देश में अगर हम कामकाजी महिलाओं की बात करें, जो कि रिकॉर्ड पर मेंटेन होता है, उस काम की बात करें, तो उस काम को करने वाली कामकाजी महिलाओं की भी संख्या आज 75 साल पूरे होने के बावजूद भी महज 25-27% रह जाती है। भारतीय राजनीति की बात करें, मंच पर बहुत मुझसे भी ज्यादा प्रसिद्ध, मुझसे भी ज्यादा लोकप्रिय, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर और जिम्मेदार महिलाएं विराजमान हैं, और मैं इनके समक्ष इस बात को रख रही हूं, और ये मेरी बात से सहमति भी जताएंगी कि राजनीति के अंदर महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो भारत के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए बेहद सोच का विषय है। महज 15-17% महिलाएं हमारी भारतीय राजनीति के अंदर अपना प्रतिनिधित्व देती हैं। आज महिलाओं का एक बड़ा तबका, या यूं कहें 30-35% की हमारी जो महिलाएं हैं, अपनी सही स्वास्थ्य की जानकारी ना होने की वजह से काफी गंभीर रोगों से जो है ग्रसित है, जो कि आज एक चिंता का विषय है। कितने संख्या के अंदर गर्भवती महिलाएं जब अपना प्रसव के दौरान अस्पतालों में जाती है, सही स्वास्थ्य की जानकारी ना होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बेहद दुख का विषय है कि आज हम लोग आजादी के 75 साल मना रहे हैं, आजादी का अमृत काल मना रहे हैं, उसके उलट जो इस देश का अभिन्न अंग है, जो इस देश की जनसंख्या का 50% है, उसके भी आज हम स्वास्थ्य की चिंता, उसके शिक्षा की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, उसके रोजगार की चिंता के ऊपर आज इतना बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। इसके उलट अगर देखें, पिछले 75 सालों के अंदर आजादी के बाद भी संविधान में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के बावजूद भी आज महिलाओं के लिए क्या बढ़ रहा है? महिलाओं के लिए क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। दूर दराज में रहने वाली कोई बेटी हो, या शहर के बीचों बीच रहने वाली कोई बुजुर्ग महिला हो, हर वक्त 24 घंटे हर पहर वो असुरक्षा के भाव में जीती है। चाहे वो कोई कस्बा हो, चाहे गांव हो, देश की राजधानी हो, किसी शहर की प्रदेश की राजधानी हो, आज हमारी बहन बेटियों के अंदर, आज हमारी महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव हर वक्त उनके दिमाग में रहता है। इसके साथ साथ अशिक्षा का जो माहौल है, अशिक्षा का जो आंकड़ा है, वो जैसे जैसे आजादी का हमारा देश का समय बढ़ता जा रहा है, महिलाओं की अशिक्षा का आंकड़ा उतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ घरेलू हिंसा हो, अत्याचार हो, महिलाओं की आवाज को दबाने वाले जो है अपराध हो, नित दिन उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान के अंदर तो, सरकारों के अंदर तो, हम लोगों ने सिर्फ कागजों के ऊपर अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को हक और अधिकार दिए हैं, लेकिन वास्तव में आज जरूरत है उन हक को, उन अधिकारों को जमीन पर उतार कर उनकी झोली में डालने का, उनको लाभ पहुंचाने का। आज जरूरत है समाज के तमाम बुद्धिजीवियों को, आज जरूरत है तमाम राजनैतिक दलों के राजनैतिक लोगों को, आज जरूरत है जो है केंद्र की सरकार में बैठे हुए लोगों को और राज्य की सरकारों में बैठे हुए लोगों को, ये सोचने की, इस पर मंथन करने की, इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि हम हमारी बेटियों के अंदर से ये असुरक्षा का भाव कैसे खत्म करें, कैसे हम इस देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली देश की आधी आबादी, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएं हैं, इनको कैसे हम बेहतर से बेहतर सुरक्षा दें, रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करें। आज राजनीति के अंदर जितनी महिलाओं की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है
कि उन महिलाओं की जरूरत है जो गलियों में, कस्बों में, गली में, मोहल्लों में जाकर महिलाओं को उनके हक के लिए जागने का काम करे, उनको जागरूक बनाने का काम करे और आगे बढ़ाने का काम करे। मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ तमिलनाडु की सरकार का और यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का, तमाम आयोजनकर्ताओं का, कि आपने देश की 75वीं वर्षगांठ जो खत्म हो गई है अमृत काल के मौके पर इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। देश की जरूरत है आज महिलाओं को सशक्तिकरण देने की, देश की जरूरत है आज महिलाओं को उनके अधिकार देने की और देश को आज जरूरत है आखिरी पंक्ति में खड़ी हुई महिला को शिक्षित करने की, रोजगार देने की। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।